Hello dear students, welcome in the online class of basic mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on trigonometry by using compound angle formula. Let us see course outcomes. Apply the rules and formula of trigonometry to solve elementary engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define acute angle and obtuse angle. Acute angle and obtuse angle आप define कर सकते हो, उसकी condition बता सकते हो. Explain the sign of trigonometric ratios in all four quadrant. चारों quadrant में trigonometry के जो ratio होते हैं उनके क्या sign है ये आप बता सकते हो. एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज एंड फार्मूला. फार्मूले का यूज़ करते हुए आप ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री. सो डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम नया एग्जाम्पल देखने वाले हैं. लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल आपको आज नज़र आ रहा है यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो में भी हमने सेम ऐसा ही एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमने अल्फा साइन ए प्लस बी फाइंड किया था. एंड वहाँ पे आपको और भी पूछा गया था कि एंगल ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताइए. ठीक है, तो आज का एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या करना है. मैंने आपको पहले भी बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको और एक एग्जाम्पल समझा के दूंगी और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, असाइनमेंट. तो यस, ऐसा ही हम करेंगे. ये एग्जाम्पल होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा एग्जाम्पल से यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, सो इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई थर्टीन, कॉस बीटा इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फाइव, एंड अल्फा एंड बीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा. यस स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कौन सा एंगल प्रेजेंट था, ए, यहाँ पे बी. अब इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल आया हुआ है, अल्फा एंड बीटा. मैंने आपको बताया था एंगल थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, अल्फा, गामा, ए, बी, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी आइडेंटिटी चेंज होंगी क्या, नहीं. अगर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वन है तो अगर हमने वहाँ अल्फा डाला तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा इक्वल्स टू वन. ठीक है, यही आइडेंटिटी रहेगी. अब देखते हैं कि इन्होंने कहा है ये जो अल्फा एंड बीटा ये एंगल्स हैं लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट. तो आप तो ये पढ़ चुके हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव. ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ठीक है, और ये एंगल जो होते 90 90 90 90 ऐसे होते हैं. ठीक है, सो 360. तो यहाँ पे देखिए, ऐड यानी कि यहाँ पे सारे के सारे छः रेशो क्या रहेंगे, पॉजिटिव. यहाँ एस यानी मैंने आपको क्या बताया था, साइन, एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव रहेंगे. ये जो दिख रहा है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. यहाँ टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव. यहाँ कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव. यस, तो अभी इन्होंने कहा है कि ये जो अल्फा एंड बीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में, वन टू थ्री, थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे कौन सा रेशो पॉजिटिव रहेगा, टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट, टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव. अब देखिए आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा. तो साइन अल्फा माइनस बीटा को अगर हम एक्सपांड करें तो क्या फॉर्मूला बनता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. तो यहाँ कहीं भी आपको टैन एंड कॉट नज़र आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ साइन एंड कॉस ही है. और हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, तो सिर्फ टैन ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, निगेटिव. तो यहाँ इस फॉर्मूले में साइन एंड कॉस तो क्या रहेंगे, वो रेशो निगेटिव रहेंगे. यस, तो यहाँ लिखते लिखते और मैं डायग्राम पे आऊँगी
तो आपको और समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए लिखते हैं पहले गिवन क्या है। सो गिवन है साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस 5/13 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7/25। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है दो रेशो। जैसे देखिए यहाँ साइन अल्फा है एंड यहाँ कॉस बीटा है, अलग अलग एंगल है। ये अल्फा है एंड ये क्या है, बीटा, दो अलग एंगल है। अब हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ उसका पहले फॉर्मूला लिखना लेना है ताकि हमें पता चले कि क्या फाइंड करना है। ठीक है, आसानी से जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके प्रीवियस वीडियो में प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब कॉस सामने आता है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, हमें लर्न भी हो गया है। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब जरा अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है एंड क्या फाइंड करना है। साइन अल्फा माइनस 5/13 यानी ये हमारे पास है। उसके बाद में कॉस बीटा माइनस 7/25 ये भी हमारे पास है। तो हमें ये दो फाइंड करना है, यस, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। चलिए, तो पहले का यूज़ करते हैं, क्या गिवन है, साइन अल्फा, इसका यूज़ करते हुए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस 5/13। ठीक है, ये इसका यूज़ करने वाले हैं, साइन अल्फा माइनस 5/13। तो बताइए, अगर यह एंगल अल्फा है तो कॉस के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, अल्फा। तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, कॉस अल्फा यानी ये। तो यहाँ पे हमें वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने कि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ थीटा की जगह पे कौन है, अल्फा। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी लगाएंगे हम, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वेयर अल्फा तो हमारे पास है, क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फा। तो जो फाइंड करना है वो उसी साइड में रखेंगे। सो देयरफॉर कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा उस साइड में जाएगा तो माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो सामने वाली टर्म रूट में चली जाएंगी। सो देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, या फिर आप उसे अंडर रूट कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से स्क्वायर हट गया तो सामने वाली टर्म रूट में, इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस। अब देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ये स्क्वायर को आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, यानी साइन अल्फा का स्क्वायर। यस, तो वैसे ही हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, साइन अल्फा का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अंदर एंड बाहर ऐसे लिख सकते हैं हम। सो लिख लिया ताकि गलती ना हो, 1 माइनस। अब देखिए, साइन अल्फा के वाले हमारे पास ऑलरेडी है माइनस 5/13। सो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, माइनस 5/13 का स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये डाल दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर में ये भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलिए, ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में डालते हैं एंड आंसर निकालते हैं, कॉस अल्फा क्या आता है। क्या इसी को ऑन किया, अब ध्यान से देखिए, जैसा दिख रहा है वैसे वैसे डालते जाना है, तभी आपकी गलती नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट। यस, तो स्क्वायर रूट की बटन कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ प्रेजेंटेड, दबा दी, आ गया अंडर रूट। अब उसके बाद में 1 माइनस, सो 1 माइनस डाल दिया, 1 माइनस, देखिए आप देख पा रहे हैं 1 माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट नज़र आ रहा है, चलिए ब्रैकेट की बटन दबाते हैं, दबा दी। उसके बाद में माइनस साइन नज़र आ रहा है, माइनस डाल दिया। उसके बाद एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो बटन दबानी पड़ेंगी, यहाँ पे प्रेजेंट है, चलिए दबा दी।
अब देखिए ऊपर क्या डालेंगे आप, 5। अब फिर से माइनस डालेंगे क्या? नहीं, पहले ही हमने माइनस डाल दिया, ध्यान से देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर। हाँ, 5/13 डाल दिया, 5/13 नीचे है, ये बड़ी सी बटन है, नीचे का एरो दबा दिया, नीचे पहुँच गए। अब डालना है यहाँ पे 13, 1, 3। उसके बाद में कर्सर में साइड बीच में लेकर जाना है, तो ये बटन दबा देना। अब ब्रैकेट को क्लोज है यहाँ पे करना है, क्लोज कर दिया। उसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बटन प्रेस कर दी। ध्यान से देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कैलकुलेटर में नज़र आ रहा है, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे बटन आपको प्रेस करने हैं, बराबर वही आपको नज़र आ जाएगा। सो अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट माइनस 5/13 स्क्वायर, अब इक्वल के बटन प्रेस कर देंगे, दबा दो। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 12/13, यस। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 12/13 डायरेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 12/13। अब आप बताइए, हमें मिल गया है कॉस अल्फा इक्वल्स टू 12/13। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ प्लस साइन चाहिए या माइनस साइन चाहिए? हमें पता है यहाँ दोनों ही साइन होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है रूट के अंदर, कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो रूट के अंदर आता है 144 डिवाइडेड बाय 169, एंड प्लस एंड माइनस 12 दोनों का ही स्क्वायर 144 होता है, एंड प्लस 13 एंड माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसलिए यहाँ दोनों साइन आते हैं प्लस माइनस। लेकिन हम दोनों यूज़ करेंगे क्या? नहीं, अब हम जाते हैं क्वेश्चन के पास। चलिए देखते हैं कि ये जो एंगल है ना अल्फ़ा, कौन से क्वाड्रेंट में? सो अल्फ़ा एंड बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट 1, 2, 3 थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस डायरेक्शन से जाते हैं ऐसे 1, 2, 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एड शुगर 2 यानी tan एंड उसका रेसिप्रोकल cot, tan एंड cot क्या होते हैं? पॉजिटिव। जो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव, जो नहीं दिख रहे हैं वो निगेटिव। tan एंड cot पॉजिटिव, क्या ये tan है, क्या ये cot है? नहीं, दोनों ही नहीं है, तो ये क्या होगा? निगेटिव, यस। ये तो cos है, ना tan है ना cot है, ये तो cos है, तो यहाँ पे साइन करेगा माइनस। तो इस तरीके से कॉस अल्फा मिल गया हमें -12/13। किसी ने क्वेश्चन पूछा क्यों माइनस, तो आपको जवाब देना आना चाहिए वहाँ पे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है और ये कॉस है, इसलिए माइनस। चलिए, तो साइन अल्फा के ऊपर से क्या मिल गया? कॉस अल्फा। अब कॉस बीटा के ऊपर से क्या फाइंड करेंगे? साइन बीटा, यस। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से आप ये सॉल्व कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने यही सॉल्व किया है। चलिए, तो अभी सेकंड क्या गिवन है हमें? देखिए यहाँ पे पहले गिवन था साइन अल्फा, अब क्या गिवन है? कॉस बीटा। सो गिवन है कॉस बीटा इक्वल्स टू -7/25। सो अगर यहाँ एंगल बीटा है तो आइडेंटिटी हम बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉस बीटा की वैल्यू पता है हमें, क्या फाइंड करना है? ये साइन बीटा, तो जो फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड में रखेंगे। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस उस साइड में जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले टर्म कहाँ चले जाएंगे? स्क्वायर रूट में। सो देयरफॉर साइन बीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सो इक्वल्स टू अंडर रूट। जिस तरीके से स्क्वायर बाहर लिख सकते हैं, हम यहाँ भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है? -7/25। सो -7/25 लिख के छोड़ देना नहीं है, उसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे, बड़ी आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अभी अभी हमने सॉल्व किया, देखिए 0 नज़र आ रहा है, कुछ नहीं चाहिए, इसे पहले डिलीट करना है। चलिए डिलीट कर दिया। अब क्या नज़र आ रहा है? स्क्वायर रूट। देखिए रूट की बटन प्रेस कर दी, उसके बाद में 1 माइनस 1 माइनस। अब ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ब्रैकेट, उसके बाद में माइनस नज़र आ रहा है, माइनस, उसके बाद में एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बटन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये थर्ड नंबर पे दबा दी। अब देखिए माइनस पहले ही डाला हुआ है, फिर से नहीं डालना है। अब यहाँ पे 7 है, नीचे 25,
ऊपर डाल दिया है 7, ये नीचे प्रेस कर दिया एरो 25, अब बीच में चले गए ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और उसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए ये बटन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्रेस कर दिए। देन से देखिए 1 - -7/25 स्क्वायर, लास्ट में इक्वल के बटन हम प्रेस कर देंगे, प्रेस कर दिए। क्या बता रहा है ये 24/25 कितना आ रहा है 24/25। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे साइन बीटा इक्वल्स टू 24/25। सो डियर स्टूडेंट ये जो है ये भी प्लस एंड माइनस होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखा अपने, रीजन क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे कि अल्फा एंड बीटा एंगल अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस क्यों लिखा, तो अल्फा लाइ इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, रीजन लिख सकते हो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस एंड माइनस आता है, तो प्लस ले या माइनस ले, तो फिर से वही जाते हैं क्वेश्चन के पास, अल्फा एंड बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में एड शुगर टू, यानी टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ये कौन है, न ये टैन है न ये कॉट है, ये साइन है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये एंगल जो है ये कैसा रहेगा, ये रेशियो निगेटिव -24/25। तो इस तरीके से इन दो गिवन टर्म के ऊपर से हमने ये दो टर्म फाइंड कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, जिसका फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो अब ये 1, 2, 3 and 4 ये वैल्यूज उठा के कहाँ पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अब देखते हैं इक्वेशन 1 क्या मिलती है हमें। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, अब देखते हैं इक्वेशन 1 क्या आती है, क्योंकि हमें वो फाइंड करने के लिए कहा है ना, फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड ये टर्म इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लिख लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इक्वेशन फिर से एक बार लिख सकते हो, हाँ साइन अल्फा, अब देखिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5/13। हम एक काम करते हैं फिर से लिख ही लेते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये माइनस में नीचे लिख रही हूँ माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 फिर से एक बार लिख ली है, ठीक है, ताकि फॉर्मूला पुट करते वक्त ये वैल्यूज पुट करते वक्त गलती ना हो। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन, अब देखिए यहाँ नजर आ रहा है साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू -5/13, सो -5/13 इंटू कॉस बीटा -7/25 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है यहाँ पे -12/13 इंटू साइन बीटा -24/25, इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होने के कारण ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 × 5 = 35, अब ये है 13 × 25, आप कैलकुलेटर पे डाल के देखिए क्या आता है 13 × 25, सो 13 × 25 इक्वल्स टू 325, सो यहाँ पे आ जाएगा 325 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस साइन से 1, 2, 3 तो माइनस आएगा, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। नेक्स्ट 12 × 24, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आता है, सो 12 × 24 इक्वल्स टू 288, सो यहाँ पे आ गया, और नीचे 13 × 25 = 325। अब दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर की क्या होंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सो यहाँ पे हो जाएगा 35 - 288/325, और ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए एक जैसे दिख रहा है वैसे हम कैलकुलेटर में डालेंगे, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो हमने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बटन प्रेस कर दी। ऊपर है 35 माइनस 288, सो 35 माइनस 288 डाल दिया। अब नीचे उतरना है, ये बड़ा सा जो बटन है एरो नीचे वाला प्रेस कर दिया, 325 लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी, तो आंसर आ रहा है -253 डिवाइडेड बाय 325। डियर स्टूडेंट जो आ रहा है वो लिखना है माइनस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे छोटा नंबर में से बड़ा नंबर, तो साइन क्या रहता है माइनस, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सो देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -253 डिवाइडेड बाय 325। सो इस तरीके से हमें जो फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड कर लिया है। सो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सो देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -253 बाय 325। इन्होंने कहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल, नहीं ये पूछा नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर पूछा नहीं तो यही आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एंड हो जाएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा हम आंसर देंगे। सो डियर स्टूडेंट एक मिनट में हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, दो रेशोज यहाँ के एंगल हमें गिवन है, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए एक रेशो फाइंड कर लिया एंड यहाँ पे फिर से बीटा का यूज़ करते हुए फाइंड कर लिया। अब देखिए अल्फा एंड बीटा का है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, ना तो ये टैन है ना तो ये कॉट है, ये साइन एंड कॉस है, इसलिए इसके आंसर क्या रहेंगे, माइनस। अब ये फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये हमें आंसर मिल गया है, तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, समझिए, और जो मैं असाइनमेंट अभी आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। हाँ असाइनमेंट, सो डियर स्टूडेंट जो हमने अभी दो वीडियो में देखा है उसका बराबर आपको वीडियो को रिवर्स करना है, फिर से एक बार देखना है एंड उसके बाद में ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। देखिए वैसे ही एग्जांपल्स हैं, इफ़ ए एंड बी बोथ आर ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, साइन अल्फा गिवन है कॉस बीटा, इवैल्यूएट कॉस ए प्लस बी, यहाँ तो हमें ये पूछा नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में, सिर्फ कॉस ए प्लस बी फाइंड करने के लिए कहा है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता ही है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, माइनस ए, कॉस की कंडीशन में क्या होता है, प्लस है तो माइनस देना पड़ता है, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इफ ए एंड बी आर ऑब्ट्यूस एंगल्स एंड साइन ए एंड कॉस बी आर गिवन, देन फाइंड साइन ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइन छूट गया है, साइन यहाँ पे साइन है, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ ये भी आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/5, देखिए अल्फा लाइज बिटवीन 5/2 एंड पाए, मतलब अल्फा जो है वो 90 से कैसा है, बड़ा है, लेकिन पाए यानी 180 से छोटा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंड कॉस बीटा, ठीक है, ये माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में -5/2 नीचे, देन डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा माइनस बीटा लाइज, सो आपको ये अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा ही फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद में कॉस अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड करना पड़ेगा पहले वीडियो की तरह, ठीक है, ये जो हम पढ़े ना इसे प्रीवियस वीडियो में था वैसे करना है, एंड फिर देखना है कि अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाना जाता है, तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।